एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल घर के बगिया। दोस्तों आज हम बताएंगे कि गर्मी में पालक कैसे उगाया जाता है। दोस्तों ये देखिए पालक का बीज, तो मैंने ये रात को भिगो दिया था, अब मैं इसको लगाऊंगी। दोस्तों गर्मी में पालक लगा के एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। मैं हर साल लगाती हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट आता मेरा। तो दोस्तों मैं आज रिजल्ट भी दिखाऊंगी। यहाँ से 24 दिन पहले मैंने लगाया था, उसको मैं दिखाऊंगी और अभी मैं लगाऊंगी, ये भी बहुत ही अच्छा चलेगा। तो दोस्तों आज लगा के दिखाते हैं इसको कैसा लगाना है। मिट्टी, जो ये मिट्टी होता है हर तरह की, हर बार की तरह जो मिट्टी मैं बनाती हूँ उसी तरह से आप मिट्टी तैयार कीजिए। बालू और क्या कहते हैं मिट्टी और बर्मी कंपोस्ट हो, गोबर का खाद हो, किचन वेस्ट हो, कोई सा भी खाद हो मिलाओ। मिलाने के बाद जिसी में लगाना है लगाना, ज़्यादातर थोड़ा बड़ा चीज़ में, जैसे ये बॉक्स हो गया थर्माकोल की, फिर तसला हो गया, गमले हो गए, थोड़ा उसमें। इसीलिए बड़ा चीज़ में लगाना है क्योंकि ये पेड़ बहुत नाजुक होता है। अगर बड़ा चीज़ में होगा थोड़ा नमी बना रहेगा, मट्टी ज़्यादा आएगा तो नमी बना रहेगा, और नमी बना रहेगा तो पेड़ ख़राब नहीं होगा। तो मैं दिखाती हूँ कैसे इसको लगाना है। ये मैंने थोड़ा मिट्टी ले लिया, मिला हुआ रेत खाद और बालू, तो मैं ये मिला हुआ मिट्टी है, और ये जो मेरा बॉक्स है इसमें पहले से मैं मिला के रखी हूँ। देखिए दोस्तों ये मेरा पहले का था, पहले इसमें कुछ पेड़ था तो वो ख़त्म हो गया, तो फिर मैं दोबारा इसको अब लगा रही हूँ। ये पालक का बीज है, पहले इसको क्या करना है रात भर भिगो देना है, फिर अगर सुबह भिगोते हो तो शाम को लगाओ, और शाम को भिगोते हो तो रात को सुबह लगाओ। तो मैंने आज सुबह लगा रही हूँ, रात को मैंने भिगो दिया था, और देखो ये फूल के थोड़ा मोटा भी हो गया, तो इसको अब मैं लगा के दिखाती हूँ। थोड़ा सा ये नीचे थोड़ा नमी बनाई है, पहले से मैंने पानी डाल रखा था थोड़ा, और थोड़ा डाल देती हूँ पानी, इसीलिए मैंने पहले पानी डाला कि थोड़ा दोबारा पानी डालने से इधर उधर नहीं फिसलेगा। नमी जगह में दोबारा पानी डालो तो सही रहता है। अब मैंने पानी डाल दिया, अब मैं इस बीज को इस तरह से मैंने पहले भी 24 दिन पहले मैंने लगाया, उसको भी मैं दिखाऊंगी आज कितना अच्छा ग्रो हुआ, कितना अच्छा बढ़िया बना है मेरा वो पालक। अब इस बीज को ज़्यादा बीज घना नहीं डालना चाहिए, पेड़ जितना उसको जड़ को भी जगह चाहना चाहिए होता है, हल्का हल्का डालना चाहिए। अब मैंने बीज डाल दिया, अब उसके क्या करेंगे, इसके थोड़ा हाथ से इस तरह दबा देंगे, क्योंकि बीज इसमें परपोली पानी चाहिए हमेशा, तो पानी डालने से इधर उधर ना हो जाए, बीज में ऐसे दबा देंगे। दबा बढ़िया करके दबा देंगे हम। ऐसे दबा दिया, अब हम क्या करेंगे इसमें मिट्टी डालेंगे। किसी किसी चीज़ में ना खाद डालना होता है, और इसमें हम मिट्टी डालेंगे, इसलिए मिट्टी डालेंगे। ये बीज मोटा है, अब खाद डालेंगे तो ज़्यादा खाद हो जाएगा तो खराब हो जाता है, इसीलिए मैंने ये बालू मिट्टी और खाद मिला के ये मिट्टी बनाई है। तो इसको मैं डालूँगी अभी थोड़ा इस तरह से, थोड़ा मोटा लेयर डालना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये बीज मोटा है तो मिट्टी के नीचे जाना चाहिए।
बस तो एक बार लगा के जरूर देखिए क्या रिजल्ट आता है। मेरा तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता, मैं तो हमेशा हर साल लगाती हूँ, हर साल। दोस्तों एक बार शुरू करके देखिए, जब रिजल्ट अच्छा ना लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा उस टाइम, इतना खुशी मिलता है कि बहुत ज़्यादा। आसपास के लोग जो आते हैं मेरे छत पे आके देखते हैं कि मैं क्या क्या उगाई हूँ, और उनको मेरा लगा हुआ उनको देख के बड़ा खुशी होता है, और मेरा खुशी का तो अलग ही खुशी है मेरा। अब इस मिट्टी को थोड़ा इस तरह से कर देंगे, देखो ये भी बीज नहीं दिख रहा है, ये देखो हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, हल्का सा पानी डालेंगे। एक बार मैंने पानी डाल रखा, अब थोड़ा और डालना है कि इस तरह से थोड़ा पानी और डालना है। पानी डाल दिया, अब हम क्या करेंगे, इसको ढक देंगे। ढक देंगे जब ये, इसको ये बीज फूटने में कम से कम 7-8 दिन लगेंगे, 8 दिन तो लगेंगे। 8 दिन के बाद हम क्या करेंगे, इसको सुबह ढक देंगे, और शाम को जैसे ही पानी डालने आते हम पेड़ में, तो इसको खोल के रख देंगे इस तरह से। जब तक इसका दो से चार पत्ता जब तक ना हो जाए, तब तक ऐसे करते रहना पड़ेगा, क्योंकि 2 पत्ता जब निकलता है ना तो थोड़ा एकदम कोमल रहता है, और अभी का जो धूप है ये 2 पत्ता को जला देगा। अब जैसे 4 पत्ता हो जाएगा तो ये जलेगा नहीं। ये इसका बहुत, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना दोस्तों, आप एक बार करके देखो कितना अच्छा लगता है। तो अभी मैं इसको ढक दूँगी। इसके ऊपर कुछ भारी चीज बहुत जरूरी है रखना। ये भारी चीज रखना इसलिए क्योंकि ये उड़ ना जाए हवा में, अगर हवा में उड़ता है तो खराब हो जाए। देखिए दोस्तों ये हमने ढक दिया है, और जो पिछले का मैंने लगाया उसको भी दिखाती हूँ। आइए दोस्तों, देखो दोस्तों 24 दिन पहले मैंने इसको लगाया, अभी देखो इसका रिजल्ट कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। देखो कितना अच्छा हो गया, ये तोड़ने लायक भी हो गया। अभी इसमें जो घना घना है उसको मैं हल्का कर दूंगी, अभी तो नहीं तोड़ूंगी, बाद में मैं तोड़ के ले जाऊंगी। और दोस्तों देखिए कितना बढ़िया हो गया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो आगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आगे वीडियो में बने रहे। दोस्तों धन्यवाद।